टॉकिंग ऑफ हाउसेज, वी आर टॉकिंग मोर ऑफ हाउसिंग बिकॉज देर आर क्लस्टर्स एक के ऊपर एक. एंड अब सब यहाँ पर हम शायद इनकी हेल्प के बिना कुछ कर ही नहीं पाते. मान लेते हैं एक टावर है जिसमें पूरे के पूरे में नॉर्थ ईस्ट में ही टॉयलेट्स हैं और उसमें हमारे हर फ्लोर का ऑक्यूपेंट अलग है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं. और जेनरिकली नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट इज़ नॉट रिकमेंडेड. अब यहाँ पर वी आर स्टक एज आर्किटेक्ट्स. हम अपने क्लाइंट के लिए उसको ऑप्शन नहीं दे सकते कि इस टॉयलेट को हटा के यहाँ पे मंदिर बना दीजिए, नहीं तो उसको टॉयलेट के बिना वो कैसे सर्वाइव करेगा, टॉयलेट कहाँ जाएगा. तो यहाँ पे मैं आचार्य जी से चाहूँगी कि वो थोड़ा सा यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को बताएं कि किस तरीके से ये हमें ऐसी स्टेट में हेल्प करते हैं. देखिए बिल्कुल ऐसी कंडीशन मेरे सामने भी आती हैं जब हम प्रैक्टिस करने जाते हैं. हमने कंबाइंड जब भी विजिट्स किए हैं कि एक ही बिल्डिंग है और उसमें नीचे से ऊपर तक मान लीजिए चार फ्लोर हैं, पाँच हैं, दस हैं, बारह हैं, पर सारे के सारे टॉयलेट्स एक ही जगह बने हैं क्योंकि वो उसी कंडीशन में बन सकते हैं और वो नॉर्थ ईस्ट एरिया है. अच्छा, जब हम बात करते हैं हाउसिंग की, फ्लैट्स की, तो ऐसा बहुत रेयर ही होता है कि पूरे घर में एक ही टॉयलेट हो. आपको गूगल पर एक नहीं 1000 रेमेडीज़ मिलेंगी कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, आप ये रेमेडी कर लीजिए, आराम आ जाएगा. मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कोई भी रेमेडी नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को ठीक नहीं कर सकती. पहली बात, उसको अब कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, अब देखना ये है कि क्या उस घर में और भी टॉयलेट्स हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है. अगर हैं तो हम ये कहते हैं कि आप यहाँ पर मंदिर तो बना नहीं सकते या आप वहाँ पर उसको एज अ टॉयलेट यूज़ नहीं कर सकते, WC यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पर आप अपने नहाने का स्थान तो रख सकते हैं. आप एज अ क्या कहते हैं बेदिंग रूम यू कैन यूज़ इट. आप वहाँ पर जाके नहा सकते हैं. तो उस कंडीशन में हम पर्टिकुलरली उस वहाँ पर जो टॉयलेट है उस टॉयलेट शीट को वहाँ पर बंद करवा देते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं जिससे कि वो जो वास्तु सॉल्ट है जो नेगेटिव एनर्जी को ऊपर और नीचे से ना आने दे, ऐसे ही उसके छत पे भी डालते हैं नमक थोड़ा सा जिससे वो एनर्जीज ऊपर या नीचे से ना आ पाएँ. फिर उसको हम एज अ बेदिंग रूम यूज़ कर सकते हैं. प्लस अब वो कहते हैं कि जी हमारे पास कोई और चारा ही नहीं है, टॉयलेट ही एक है. फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखिए यहाँ पर अब एस्ट्रो की यूज़ भी हम करते हैं इसके अंदर. हम देख लेते हैं कि भाई ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए किसी ने आज घर खरीदा है तो वो और 6 महीने में साल में दोबारा से घर खरीद कर चेंज करने जाएगा, क्योंकि घर खरीदना या चेंज करना या मैं कह रहा हूँ रेंट पे भी वो इतना आसान काम नहीं रह गया आज के टाइम. वो बड़ा एक प्रोजेक्ट होता है. तो ये देख लिया जाता है कि जी कितना ये पोटेंशियल है सामने वाले व्यक्ति में इस नेगेटिव एनर्जी को बीइंग एस्ट्रोलॉजिकली उसको झेलने के लिए कितनी ताकत है उसके पास. अगर तो है तो हम रिकमेंड करते हैं कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी कर लीजिए, यहाँ से नेगेटिविटी आ रही है पर कहीं बाकी और चीज़ों को हम चैनल कर लें तो कुछ पॉजिटिविटी को जनरेट किया जा सके. एक यंत्र बनता है जिसे हम वास्तु यंत्र कहते हैं जो कि नेगेटिविटी अपने पास एब्जॉर्व कर लेता है, पॉजिटिविटी जनरेट नहीं करता है. तो उस किस्म का एक यंत्र वहाँ के बना के लगा दिया जाता है. लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ वो केवल एक टाइम बीइंग सपोर्ट की तरीके से है. उससे आप ये मान लो कि जी रेमेडी हो गई और बिल्कुल सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है. ये निर्भर करता है कि सामने वाले की एस्ट्रोलॉजिकली कितनी पावर है, कितनी वो नेगेटिविटी को अपने पास एज अ इम्पैक्ट वो झेल सकता है, उसका कितना इम्पैक्ट झेल सकता है, उसकी कितनी पावर. एक चलते चलते आखिर में क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है वो मैम से लेना ज़रूरी है. वो मैम आपने टाउनशिप्स भी डेवलप करे हैं, करेक्ट, तो आपने एक हाउस को भी डेवलप किया है, आपने हाउसिंग्स भी डेवलप करी हैं, करेक्ट. अब ये तीनों टर्म्स में बहुत अंतर आ जाता है जब हम उसको आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं. अब जब हम टाउनशिप को डेवलप कर रहे होते हैं, डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो उसमें सिर्फ न केवल घर ही देखा जाता है बल्कि ये भी देखा जाता है कौन सी सड़क का कैसा मोड होना चाहिए, उस मोड के ऊपर ऐसा क्या होना चाहिए जो कि सोसाइटी को भी एक खुशनुमा बना दे और वहाँ रहने लायक जगह बने और साथ ही में वो सोसाइटी जो है वो एक अच्छी आबादी को सपोर्ट करने लायक बने. करेक्ट. सो व्हेन इट कम्स टू वी कॉल इट आप जेनरिक लीजिए जैसे कैंपस डेवलपमेंट, राइट. अब इस कैंपस में जब हम इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, इस कैंपस में एक इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन भी आएगा, तो पहले तो नेसेसिटी से स्टार्ट होगा ना. बिजली कहाँ से आएगी, एक इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन आएगा या ट्रांसफार्मर आएगा, कुछ तो आएगा. देन आपका पंप हाउस आएगा जहाँ पे आपका पानी का अरेंजमेंट होगा, कुछ बोरवेल्स बनेंगे. पहले तो ये बेसिक नेसेसिटीज़, रोड नेटवर्क जो हमारा फिजिकल लेआउट है वो तो बाद में आएगा. सो सबसे पहले बहुत ही फॉर्चुनेट होता है कि इनकी पोजिशनिंग हम एज़ पर वास्तु डालें.
बाकी की चीज़ें खुद ब खुद सेट बनने होने बैठ जाएंगी। दोस्तों, वास्तु एक बहुत ही पुरातन एक विज्ञान है और हमने उसको बस अभी अभी कुछ साल पहले ही छोड़ा है, फिर से अपने जीवन में ढालने का अब समय आ चुका है। वास्तु के बिना यदि आपने अपनी प्रॉपर्टी को डिज़ाइन करवाया है तो कहीं ना कहीं आपको एक राय लेनी बनती है। जुड़े रहिए हमारे साथ तथा वास्तु के अंदर हम बहुत से और ऐसे एक्सपर्ट्स को लेकर आने वाले हैं जो इसी प्रकार का ज्ञान आपसे शेयर करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए। धन्यवाद। निदान प्रणाम साथियों, मेरा नाम तनिष्क, आपकी टारो कार्ड रीडर फ्रॉम द निदान। आइए जानते हैं एक और मिथ टारो के बारे में। बहुत सुना जाता है कि टारो फ्यूचर के बारे में बताता है, पर हम, अगर आपको याद हो तो हम पिछली बारी डिस्कस कर रहे थे कि टारो कलेक्टिव सबकॉन्शियस के बेसिस पे होता है और कलेक्टिव सबकॉन्शियस के बेसिस पे वो फ्यूचर नहीं, वो इमिडिएट अपकमिंग इवेंट्स थोड़ा सा आपको ग्लिम्प्स देता है और आपको गाइडेंस देता है, जिससे कि आप ये देख सकें, ये डिसाइड कर सकें कि आप जो डिसीजन लेंगे या फिर आप जो इवेंट्स को फेस करेंगे वो आप और अच्छे से कैसे फेस कर सकते हैं। आइए जानते हैं दिसंबर फर्स्ट वीक का जोडियक रीडिंग। पहला एयर साइन, एयर साइन यानी कि जेमिनी, एक्वेरियस एंड लिब्रा। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के लिए ये हफ्ता काफ़ी रोमांटिक होने वाला है। या इस हफ्ते आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं एंड लव लैंग्वेजेस भी यूज़ होंगे, यानी कि वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार से बात करेंगे और एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। अब देखते हैं फायर साइन। फायर साइन यानी कि एरीज, सैजिटेरियस एंड लियो। फायर साइन के लिए ये हफ्ता बहुत अबंडेंट होने वाला है। आप लोगों को फाइनेंशियल गेन तो मिलेगा, बट उसके साथ साथ काफ़ी सक्सेस और फेम और रिकग्निशन मिलने वाला है। आइए हम देखते हैं अब वाटर साइंस का। वाटर साइंस यानी कि कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। वाटर साइंस के लिए ये दिसंबर का पहला हफ्ता काफ़ी इंट्यूटिव होने वाला है, काफ़ी डाउनलोड्स होंगे आपके, काफ़ी इंट्यूटिव मैसेजेस आएंगे। सो एंजल नंबर्स पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, यानी कि 222, 111, 1111 और आसपास अपने सराउंडिंग्स पे ध्यान दीजिएगा कि इंट्यूटिवली यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे अर्थ साइंस यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। ये हफ्ता आप लोगों के लिए फाइनेंशियली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है। आप लोगों के एक्सपेंसेस आउट ऑफ हैंड जाते जा रहे हैं, तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि लिस्ट बनाइए अपने एक्सपेंसेस का और देखिए कि कहाँ पे आपको बेनिफिट हो रहा है और कहाँ पे लॉस हो रहा है। जहाँ पे लॉस हो रहा है, आराम से शांति से देखिए कि कैसे आप अपने लॉस को कवर कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और जानकारी पाने के लिए इस दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क करिए। मेरा नाम तनिष्क है, फ्रॉम द निदान, निदान प्रणाम।